हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल अनिल कुमार लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कूलाम का नियम तथा इसी नियम की सहायता से एकांक आवेश की परिभाषा। तो फ्रेंड्स, हेडिंग लगा लीजिए, क्या है कि कूलाम का नियम लिखिए तथा इस नियम की सहायता से एकांक आवेश की परिभाषा दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना टाइम वेस्ट किए इसी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो समझिए फ्रेंड्स, अपनी सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कूलाम का नियम होता क्या चीज़ है। तो कूलाम का नियम आवेश के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है फ्रेंड्स? आवेश के लिए। मान लीजिए ये कोई बिंदु है और ये भी अपना कोई बिंदु है, इसको प्लस की आवेश दिया गया है तथा इसे माइनस की आवेश दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यह अपना आवेश है क्यू वन और ये अपना आवेश क्या है क्यू टू। ठीक है फ्रेंड्स, और मान लीजिए इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? आर है। इतनी चीज़ भी आपको समझ में आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो आवेश के बीच लगने वाला बल, बल को एफ से डिनोट करते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं बल। ठीक है, बल मतलब एफ, आप समझ गए होंगे। अब हम हटा देते हैं कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के ये अपना आवेश दोनों हैं, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इसके अनुक्रमानुपाती, इसे आप समीकरण एक दे देते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब दूसरा देखिए क्या बोल रहा है कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों समीकरणों को यदि मिला करके लिख दें तो एफ अनुक्रमानुपाती क्या होगा? क्यू वन क्यू टू, ये अनुक्रमानुपाती हो गया और जो बटे में लिखा रहता है वह व्युत्क्रमानुपाती। फाइनली अपना ये आया, तो अपन इसको लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझिए हम सबको हटा दे रहे हैं, जगह नहीं है यहाँ पर। तो फाइनली अपना आंसर क्या आया? एफ अनुक्रमानुपाती क्यू वन क्यू टू अपॉन आर का स्क्वायर, इतना आया फ्रेंड्स। अब देखिए यदि अनुक्रमानुपाती हटेगा तो क्या आ जाएगा? के क्यू वन क्यू टू आर का स्क्वायर, जहाँ के की वैल्यू होती है 1/4πε₀। ठीक फ्रेंड्स, कितनी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। और इसका मान होता है 9×10⁻¹। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब अपन कूलाम का नियम तो समझ ही गए होंगे। देखिए हम एक बार फिर से समझा देते हैं कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के, ये दो लगा है वह वर्ग है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? व्युत्क्रमानुपाती। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यही है कूलाम का नियम। अब इस नियम की सहायता से अपन निकाल लेते हैं एकांक आवेश की परिभाषा। तो चलिए हम एकांक आवेश की परिभाषा निकालना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसे निकालने के लिए फ्रेंड्स हम मान लेते हैं कि जो क्यू वन और जो क्यू टू की वैल्यू है वह क्या है? क्यू, मतलब दो आवेश बराबर हैं। और जो बीच की दूरी मान लेते हैं उसे एक मान लेते हैं, तथा जो बल है उसे मान लेते हैं 9×10⁻¹। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपना कूलाम का नियम क्या था? एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर का स्क्वायर।
सॉरी फ्रेंड्स के नहीं लिखेंगे, सीधे वो लिख देंगे के का मान लिख देंगे। तो के का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 r का स्क्वायर, इतना था ना फ्रेंड्स अपने पास। तो चलिए अब इसमें वैल्यू पुट आप कर देते हैं। एप का मान हमने क्या बताया, 9 × 10⁻¹। और अपन ने अभी क्या बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ इंटू Q1 और Q2 क्या है, दोनों क्यू हैं, तो इन दोनों का गुणा होगा तो हो जाएगा क्यू का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर अपॉन जो आर का स्क्वायर है उसकी दूरी क्या है, एक, तो एक का स्क्वायर। देखिए यहाँ से ये चीज़ कट जाएगी, फाइनली अपना आया का ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अपना फाइनली आया क्या है, 1 = Q² यदि अब Q की वैल्यू निकालें तो Q = √1। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब अपन आगे बढ़ जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या आया था, Q = √1। तो यहाँ से अंडर रूट हटाएं तो अपना आ जाएगा Q = ±1। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से क्या परिभाषा लिखेंगे, अब या गुलाम के नियम से क्या परिभाषा निकली कि देखिए समझिए, जब दो एक समान आवेश, यहाँ पर दो एक समान आवेश है, जब दो एक समान आवेश एक मीटर की दूरी है, ठीक फ्रेंड्स, 1 मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं तथा इनके मध्य लगने वाला बल 9 × 10⁹⁹ लगता है, तब दोनों आवेश एकांक आवेश होते हैं, तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अभी समझ में नहीं आया तो हम एक बार फिर से समझा देते हैं। जब दो एक समान आवेश हैं Q1 और Q2 एक मीटर की दूरी पर बल 9 × 10⁹ लगे, तब दोनों आवेश का मान एकांक होगा। क्या होगा, एकांक होगा, यही है एकांक आवेश की परिभाषा। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।